वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रीति है और मैं हमेशा मौज में रहती हूँ। आर यू हंग्री? देन लेट्स गो, कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए पोहा, जो मैं खाऊंगी ब्रेकफास्ट में। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि मैं उसमें पोहा को भिगो सकूं, और उसके बाद मैं थोड़ी देर उसको रखने के बाद पानी को निकाल देती हूँ। उसको बिल्कुल पूरा अच्छे से सुखा लेना है। इतने पोहा अच्छे से रेडी होता है, इतने मैंने अपने ये सामान जो कि जो भी हमें वेजेस चाहिए वो मैंने उसमें काट लिए हैं। और ये मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ पोहा में ही, ताकि वो आपस में चिपके नहीं। अगर आप नमक नहीं ऐड करेंगे तो वो चिपक जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी मिर्च काट ली है, उसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। तो मिर्च को ग्राइंड करते करते मैंने एक बर्तन रख दिया है गरम होने के लिए, और जैसे ही वो गरम होता है उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। तो अभी ये तेल इतने गरम होता है, मैं इतने फिर से उसको जो मैंने पोहा रखा हुआ है उसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा उसको स्टर कर लेती हूँ ताकि वो आपस में चिपक ना जाए। हमारा तेल हो गया है गरम, तो अब मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़े से पीनट्स। तो पीनट्स से पोहे में और अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आता है। तो यहाँ पर पीनट्स को मैं अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि वो थोड़े से रेडिश कलर में ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो हमारी जो पीनट्स हैं वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के रेडिश होने जा रहे हैं। तो हमारे पीनट्स भी अच्छे से भुन गए हैं, उसको मैं निकाल रही हूँ अलग से किसी बर्तन में ताकि मैं फिर उसमें अपने पोहा को बना सकूं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाल लिया है इसमें ताकि मैं उसमें तड़का लगा सकूं जो मैंने पोहा बनाना है उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने डाल लिए हैं प्याज। तो प्याज को अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि वो हल्के से ब्राउन कलर में ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारे प्याज भी हो गए हैं रेडी। इसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़े से टमाटर के पीस। तो अगर आपके पास कुछ और वेजेस हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ही ऐड की हैं। आप कुछ भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं ताकि वो अच्छे से गल जाए। फिर इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला या जो भी आपको ऐड ऑन करना है। नमक हम पहले ही डाल चुके थे तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ मसाला हो गया है रेडी। उसके बाद मैं डाल देती हूँ पोहा इसमें, और हमने जो अलग से पीनट्स भुने थे वो भी इसमें डाल देती हूँ और उसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं जब तक कि मसाला पूरे पोहा में मिक्स ना हो जाए। तो उसको तब तक मैं स्टर कर लेती हूँ, और ये हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी। उसके साथ मैंने कर लिया थोड़ा सा अपने लिए दूध गर्म, और फिर आ गया क्लीनिंग टाइम। तो मैंने पूरे अपने रूम की सफाई की पहले अच्छे से, और जितने भी मैंने कपड़े वॉश किए थे वो फोल्ड कर लिए। वैसे मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है, बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। अब आ गया है मेरा वर्कआउट टाइम। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है फिर से। कुछ टाइम पहले मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट कुछ दिन करने के बाद मैं फिर से उसको भूल गई थी कि मुझे वर्कआउट भी करना है। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे का किया वर्कआउट, फिर मैं चल पड़ी अपनी ग्रोसरी लेने के लिए। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था वैसे, तो मैं ले आई कुछ सामान खरीद के, और आने के बाद मैंने फटाफट से वो फ्रिज में लगा दिया। और ये सब करते करते मैं तो थक गई भाई। डिनर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। इसके लिए मैंने कुछ आलू ले लिए, और ये अब मैं इसको रखूंगी मैं माइक्रोवेव में। तो ये मैंने रखी है माइक्रोवेव में, और यहाँ पर एक बटन है जो कि है पोटैटो का, और उसको कर दिया मैंने स्टार्ट। इतने मेरे आलू उबलेंगे इतने मैं बना लेती हूँ आटा। तो आटा गूंदने के लिए मैं कर रही हूँ थोड़ा सा पानी गर्म, और मैं ले लेती हूँ आटा।
गर्म पानी से आटा थोड़ा सा नरम रहता है जिससे मेरे पराठे काफी अच्छे बनेंगे। तो आलू के परांठे में अगर आपका आटा सॉफ्ट होगा तो परांठे इजीली अच्छे से बन जाएंगे। तो मैं यहाँ आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही हूँ। तो हमारा आटा हो गया है रेडी। तो आलू के परांठे के साथ मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी। लस्सी कैसे बनता है वैसे, इसमें पूरा पेस्ट तो नहीं बनेगा बट फिर भी आई विल ट्राई टू अच्छी बन जाए। ये कुछ मिर्च मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ। इसको खोलते हैं। तो इसमें हम करेंगे अपने आलू का मसाला रेडी ग्राइंड कर लिए। ये हमारे आलू हो गए हैं रेडी। तो अभी इनको हम छील लेते हैं। मैंने कर लिया है खाली ताकि मैं अभी इसमें चटनी बना सकूं। हमने तो लेना है ये थोड़ा सा पुदीना। तो ये है हमारा पुदीना। ऐड दवाई है। तो मैंने इसको धो लिया है। आप हम इसको और के अच्छे से साफ साफ लीव्स इसमें डाल दें। इसकी धुलिया साफ पर तो एक्स्ट्रा है जो हम यहाँ पर काट देंगे। बस मैंने कभी बनाई नहीं है बट आई थिंक इसको थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले इसको काट लेती हूँ, छाट लेती हूँ। ये पत्ते पत्ते ये देखो, ये हमें यहाँ से अलग कर देंगे ऐसे। तो पहले मैं इनको कर लेती हूँ ग्राइंड क्योंकि मेरी मिक्सी बहुत छोटी है। मैंने ब्लेड तो लगाया ही नहीं, क्या करूंगी मैं। आई थिंक इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, बिल्कुल जरा सा पानी डालना है आपको ताकि ये पेस्ट बन जाए अच्छे से। यहाँ मेरा हो गया है सामान रेडी जो कि मैं मिक्स कर रही हूँ जिसमें आलू और कुछ मसाला है। और फिर मैंने ये कुछ मेरा सामान रेडी कर लिया है आलू के परांठे बनाने के लिए। जिस इसको भी खाने हैं भाई अपने अपने प्लेट लेके आ जाओ और बैठ जाओ यहाँ लाइन में। मैं बनाने जा रही हूँ परांठे वो भी आलू के। तो आलू का जो मसाला है उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले उबाले थे आलू, उसमें थोड़ी सी डाली थी मैंने मिर्च जो कि मैंने ग्राइंड की थी, उसमें थोड़े से आप प्याज भी डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे नहीं पसंद। बाकी का वही सेम मसाला है जो हम सभी सब्जियों में डालते हैं, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला। अगर आपको डालना है या नहीं डालना वो आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं आटे की। तो जितना छोटा आप बनाएंगे उतना ही अच्छा परांठा बनेगा, जितनी छोटी आप लोई लेंगे, लोई मतलब वो गोल गोल आटे की बनाएंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा आटा लेंगे तो वो ज़्यादा ही आटा आटा लगेगा। या फिर आप उसको दूसरी तरह से भी बना सकते हो, जैसे कि हम दो रोटियां बेल लेते हैं और एक के ऊपर हम पूरा अपना मसाला रख लेते हैं आलू का और फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख लेते हैं
और उसको अच्छे से बंद कर लेते हैं। मेरे पराठे बनके हो गए हैं रेडी, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसा बना है। ये तो बहुत बढ़िया बना है। तो आलू के पराठे के साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी, जिसमें मैंने थोड़ी सी दही मिक्स की थी और मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट था और मैंने उसमें ग्रीन चिली और सॉल्ट ऐड किया था, तो इसका थोड़ा सा अलग ही टेस्ट बन गया था। तो पराठे और उसके साथ ये पुदीने की चटनी बहुत टेस्टी बने थे। इतना हैवी खाने के बाद तो मैंने खाया थोड़ा सा ऑरेंज ताकि खाया पिया सब पच जाए। हेलो गाइस, आई होप आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching my videos.